हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। तो अगर आप एक गेम लवर हैं, गेमिंग के फैन हैं, तो ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है, क्योंकि आज की स्टोरी में आपको बताने वाला हूँ एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस है एक अलग ही लेवल पर लेकर चला जाता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में बात कर रहे हैं लिनोवो लेजेंड गेमिंग फ़ोन के बारे में। तो वीडियो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही कमाल की चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़ोन के बारे में। तो जो मेन हाईलाइट्स हैं इस फ़ोन की, जो कि गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा बना लेते हैं, सबसे पहले उसमें है यहाँ पर आपका बैटरी बैकअप, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है गेमिंग करते हुए, ताकि आपको ज्यादा ज्यादा आप गेम प्ले कर पाए। तो यहां पर जो बैटरी आपको इस फोन के अंदर मिलने वाली है वो है 5000 mAh की बैटरी, जो कि काफी बड़ी होती है। और साथ ही साथ उसे चलाए रखने के लिए यहां पर आपको जो चार्जर मिलेगा, जो कि आप चार्जिंग कर सकते हैं, वो है 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग। उससे अब होगा ये कि आप 0 to 100 अगर आपको फोन को चार्ज करना हो तो सिर्फ आधे घंटे में फोन चार्ज हो जाएगा, है ना कमाल की बात। और दूसरी चीज जो यहां पर आपको देखने को मिल जाती है, सारी लीक्स कंफर्म हो गए, लगभग स्पेसिफिकेशन सारी सामने आ गई है। दूसरी जो बढ़िया चीज आपको यहां पर मिलेगी वो है कि आपको स्क्रीन में कोई नॉच देखने को नहीं मिलेगी, यानी सीमलेस एक्सपीरियंस होने वाला है आपका, बढ़िया एक्सपीरियंस होने वाला है गेमिंग का। और अब आप सोच रहे होंगे कि जो फ्रंट कैमरा है वो कहां जाने वाला है, तो फ्रंट कैमरा कुछ अलग ही पोजीशन पर है। एक पॉपअप कैमरा आपको देखने को मिलेगा, वो भी साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो अब ये पोजीशन कुछ लोगों के लिए ऑड हो सकती है जब आप फोन को होल्ड करेंगे, या गेमर्स के लिए कहें तो जब फोन को ऐसे होल्ड करेंगे तो ये पोजीशन आपके काफी ज्यादा काम आ सकती है। और दूसरी चीज में जो कुछ अलग दी गई है कि यहां पर जो चार्जिंग के जो पोर्ट दिए गए हैं वो डुअल आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा। जो नॉर्मल नीचे पोर्ट होता है वो तो होना ही है, लेकिन एक नीचे की तरफ यहां साइड में आपको एक और पोर्ट मिल जाएगा, तो गेमिंग करते हुए आप फोन को चार्ज कर सकते हैं। अगर और चीजों की बात करें तो पीछे की तरफ आपको डुअल कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि 64 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। और स्क्रीन की हम बात करें तो फुल HD प्लस डिस्प्ले तो आपको मिल ही रही है, साथ ही साथ इसके अंदर आपको 270Hz का जो है टच सैम्पलिंग रेट यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर आपको नहीं पता है कि टच सैम्पलिंग रेट होता क्या है, उससे क्या बेनिफिट है, तो इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और प्रोसेसर अगर बात करें तो जो लीक्स हैं उसके हिसाब से यहां पर प्रोसेसर आपको जो देखने को मिल सकता है वो है स्नैपड्रैगन 865, जो कि काफी पावरफुल प्रोसेस है। और एक चीज की जो कमी यहां पर निकल कर लग रही है कि हो सकती है इसके अंदर, वो है कि जो 3.5mm वाला जैक है वो शायद आपको ना देखने को मिले, तो यानी जो आपके वायर्ड ईयरफोन्स हैं वो आप ना यूज कर पाए, ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जो वायरलेस ईयरफोन्स होते हैं अगर आप वो यूज करेंगे, वायर्ड नहीं यूज कर सकते हैं, तो उसमें लेटेंसी थोड़ी सी देखने को मिलती है, या हाई एंड आपको वायरलेस ईयरफोन्स के लिए जाना पड़ता है। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए ये फोन आपको कैसा लगा, और क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस गेमिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया है, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और जैसे ही रिसेंट कोई अपडेट आएगी और भी कुछ चीजें पता चलेंगी, मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियोस पर लेकर आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो जैसे ही आए आपको फौरन पता चल जाए। तो गाइस, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।